वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा रविंद्र जडेजा ने भारतीय टी20 टीम से संन्यास ले लिया। अब ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम की जर्सी में कभी नजर नहीं आएंगे। रोहित और कोहली ने माना कि टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने का इससे अच्छा समय नहीं आ सकता था, लेकिन अब भारतीय टीम के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी रिटायरमेंट पर चुप्पी तोड़ दी है। क्या रोहित विराट के बाद बुमराह भी लेने वाले हैं संन्यास? क्या बुमराह छोड़ देंगे टीम इंडिया का साथ? आइए जानते हैं 4 जुलाई को वानखेड़े स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह ने रिटायरमेंट पर क्या कहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद 4 जुलाई को टीम इंडिया के लिए विक्ट्री परेड निकाली गई और फिर वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान बुमराह को भी बातचीत के लिए मंच पर बुलाया गया, जहां पर उन्होंने अपने टी20 संन्यास को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा रिटायरमेंट काफी दूर है, मैंने तो अभी शुरुआत की है। बुमराह के बयान से साफ हो गया कि वो अभी संन्यास लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो भारत के लिए अभी और लंबा खेलना चाहते हैं, जो कि इंडियन फैंस के लिए काफी खुशी की बात है। सम्मान समारोह के दौरान विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने फाइनल मैच में भारतीय टीम की वापसी कराने का असली हकदार जस्सी को ही माना है। कोहली ने तारीफ करते हुए कहा, मुझे उस खिलाड़ी की सराहना करने की जरूरत है जिसने भारत को एक बार नहीं बल्कि बार बार मैचेस में वापसी कराई है। मैं जसप्रीत बुमराह की बात कर रहा हूं, जिसने आखिरी 5 ओवरों में से 2 ओवर डाले और टीम इंडिया की वापसी कराई। हम लकी हैं जो बुमराह हमारे लिए खेलते हैं, वो इस जनरेशन के सबसे शानदार गेंदबाज हैं। बता दें, फाइनल से पहले बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ भी मोहम्मद रिजवान का विकेट लेकर भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई थी। इसके अलावा सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 में खेले गए 8 मैचों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए कुल 15 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान जस्सी ने 4.17 की इकोनॉमिक रेट के साथ रन खर्च किए थे, जो कि काफी कंजूस नजर आए थे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन उम्मीद करेंगे जसप्रीत बुमराह ऐसे ही और भी टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहें और ऐसे ही टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।